नमस्कार, घंटी बजाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश का नंबर वन करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज आपको रोज की तरह बजानी तो घंटी ही है, लेकिन मुद्दा क्या है? देखिए आज का मुद्दा क्या है। आज आपको नर्मदा घोटाले को दबाने के लिए साधुओं को मंत्री बनाने वाले शिवराज सरकार की घंटी बजानी है। नहीं समझे होंगे ना, अभी मामला समझाते हैं। आज हम आपको साधु और सियासत की चरित्रहार दिखाने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 2016-2017 में 148 दिनों की नर्मदा यात्रा उन्होंने निकाली थी। मामा साहब ने 6 करोड़ पौधे लगा डाले थे उसी यात्रा के दौरान, और वो भी एक दिन में। बड़ी सुर्खियां बनी थी। दावा है कि उसी नर्मदा यात्रा में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए मध्य प्रदेश के 2 सन्यासी कंप्यूटर बाबा और पंडित योगेंद्र महंत 1 अप्रैल से रथ यात्रा निकालने वाले थे, बताने वाले थे क्या घोटाला हुआ है। लेकिन वो रथ यात्रा रुक गई है और शायद अब न निकले। क्यों? क्योंकि घोटाले का खुलासा करने जा रहे साधुओं को शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री बना दिया। जो साधु सत्ता का भ्रष्ट चरित्र उजागर करने का बीड़ा उठाने वाले थे, वो शिवराज सिंह को राम और खुद गुरु वशिष्ठ बनकर राम राज्य की बातें करने लगे। सुर बदल गए उनके। राष्ट्र की आस्था के साथ सियासत और साधुओं के इसी कारोबार की आज आपको जमकर घंटी बजानी है। मैंने कहा जंतर मंतर में आंदोलन करूंगा तो ठीक हो गए थे। इनके सामने इनको 12 बजाओ तो ही ठीक होते, सीधे से तो मानते ही नहीं। 12 ही तो बजाने जा रहे थे कंप्यूटर बाबा, वो भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के, लेकिन ठहर गए। हमने हड़कंप मचा दिया था और सारे मंत्री संतरी सब 5 बार आए, माफी मांगी और फिर उसको किया भी, नहीं तो हम लोग 10,000 बाबा इकट्ठे हो गए। हड़कंप ही तो मचाने जा रहे थे कंप्यूटर बाबा, लेकिन अचानक रुक गए। मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने, ऐसा उनको लगता है कहीं हम लोग जो है उनकी कोई पोल ना खोल दें तो सत्य को हम लोग साधु संत हम तो सत्य बोलेंगे। कहां बोल पाए कंप्यूटर बाबा सत्य, क्योंकि सत्य के ऊपर शिवराज सिंह की सियासत हावी हो गई। और हमेशा लैपटॉप साथ में रखने के कारण कंप्यूटर बाबा के नाम से मशहूर सन्यासी देवदास त्यागी कंप्यूटर बाबा से बन गए शिवराज सिंह की सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। और फिर शिवराज सिंह की सरकार को एक घोटाले के कारण कहीं राजनीति से संन्यास न लेना पड़ जाए, इसलिए मंत्री बना दिए गए बाबा का आशीर्वाद मिल गया। क्या साधु संतों को सरकार को साथ नहीं रखना चाहिए? शुरू से राम राज्य था, तब भी वशिष्ठ जी रहते थे, वो मार्गदर्शन करते थे, तो क्या आज नहीं होना चाहिए? ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ शिवराज सरकार को कि संतों को साथ लेकर के कोई भी कार्य करते हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। शिवराज सिंह चौहान ने 3 अप्रैल को अचानक एक आदेश जारी करके 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, जिनमें कंप्यूटर बाबा है, पंडित योगेंद्र महंत हैं, भयू जी महाराज हैं, नर्मदा नंद जी हैं और हरिहरानंद जी। तो यह सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में पिछले 13 सालों से सरकार चला रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनावी साल में ऐसी भला कौन सी दिक्कत आ गई कि उन्हें 5 बाबाओं को राज्य मंत्री का दर्जा देना पड़ा। जब इस बारे में पहली बार भोपाल में शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा गया तो वे हाथ जोड़कर चलते बने। साधुओं को मंत्री बनाना जरूरी था या मजबूरी, इसका जवाब शिवराज सिंह भले ना दें, लेकिन हेलीकॉप्टर से कुंभ के मेले में घाट पर उतरने की ख्वाहिश रखने वाले और अब मध्य प्रदेश में मंत्री बनाए गए कंप्यूटर बाबा से मिल जाता है। अब हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग जो शुरू करेंगे यात्रा वो 1 अप्रैल से 15 मई तक रखेंगे और उसमें जनता के सामने ले जाएंगे कि नर्मदा हमारी छलनी कर दी है और जो 6 करोड़ पौधों का घोटाला हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री ने व्यर्थ पैसा खर्च किया है, जो हमारे मध्य प्रदेश की जनता का पैसा लगा है। तो बाबा का भूतकाल आज के वर्तमान यानी उन्हें मंत्री बनाने की वजह है, ताकि शिवराज सरकार का भविष्य चुनावी साल में बचा रहे। शिवराज सिंह चौहान ने जिन कंप्यूटर बाबा को मंत्री बनाया, दरअसल वो 1 अप्रैल से शिवराज सरकार में हुए नर्मदा घोटाले की पोल खोलने वाली रथ यात्रा निकालने जा रहे थे,
जिसका सबूत है ये पोस्टर जिसमें लिखा है नर्मदा घोटाला रथ यात्रा नेतृत्व महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा यात्रा संयोजक पंडित योगेंद्र महंत। जिन पांच संतों को मंत्री बनाया गया उनमें से दो वही हैं जो शिवराज सरकार का नर्मदा घोटाला खोलने जा रहे थे, यानी कंप्यूटर बाबा और पंडित योगेंद्र महंत। और इसकी गवाही मंत्री बनने से पहले कंप्यूटर बाबा के बयान से मिलती है। हमारे शिवराज जी मुख्यमंत्री जिन्होंने 6 करोड़ पौधा लगाए, हम लोगों ने संत समाज ने हमारे योगेंद्र महंत जी ने मिलकर के और RTI वन मंत्रालय को भोपाल में लगाया और उनसे पूछा है कि आपने 6 करोड़ पौधा जो लगाए हैं आपने, ये 6 करोड़ पौधा जो जानकारी मिल रही है वो एक भी पौधा मध्य प्रदेश में नहीं है। इसके कारण आपने हमारे मध्य प्रदेश की जनता को छला है, हजारों करोड़ रुपए एडवर्टाइज में पौधा लगाने में आपने लगाया है। तो क्या घोटाला खुलने के डर से कंप्यूटर बाबा और पंडित योगेंद्र महंत को शिवराज सिंह की सरकार ने मंत्री बना दिया? कंप्यूटर बाबा के बदले हुए सुर इसकी गवाही देते हैं। नाराज वाली बात नहीं है, हमारा दायित्व तो हमारी सरकार है। ये जो शिवराज सरकार है वो संतों की सरकार है, भगवान की सरकार है, ऐसा हम मानते हैं। तो हमारा दायित्व होता है कि हमें कोई चीज बोलना है अपनी बात को तो अपनी सरकार से बोलेंगे ना, दूसरे से थोड़ी बोलेंगे। जो कंप्यूटर बाबा नर्मदा घोटाला खोलने की बात कर रहे थे, मंत्री बनने के बाद उनकी बोली बदल गई। उन्हीं की नहीं बल्कि उनके साथ मंत्री बनाए गए पंडित योगेंद्र महंत के भी सुर हिल गए। नर्मदा घोटाला यात्रा निकलना ही नहीं है क्योंकि सरकार ने जो मुख्य उसकी जो बातें थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रदेश की सरकार और साधु का जो समन्वय है वो हो गया है, तो अभी इस प्रकार की कोई शिकायतें अब नहीं आएगी। सरकार और सन्यासियों के समन्वय से क्या शिवराज सिंह ने घोटाला दबा लिया और संतों पर सुविधाओं की झड़ी लगा दी? क्योंकि अब मंत्री बन जाने से पांचों संतों को 40,000 रुपए प्रति महीना वेतन, 34,000 रुपए भत्ता, 31,000 रुपए निर्वाचन भत्ता, 45,000 रुपए प्रतिमाह दैनिक भत्ता, एक गाड़ी, भोपाल में आवास मिलेगा और भत्तों पर कोई आयकर नहीं देना होगा। राज्यमंत्री का दर्जा नहीं, देखिए एक समिति बनाई है और समिति का कार्य कर सके इसके लिए राज्यमंत्री का दर्जा दिया है, क्योंकि हम लोग अपने अधिकारियों पर से अपना काम करा सकेंगे, हम अपनी बात बोल सकेंगे, रात दिन दौड़ सकेंगे। साधु संत जब दौड़ने का काम करेंगे तो सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, उनको गाड़ी की भी जरूरत पड़ेगी और अधिकारियों से मिलने मिलाने की बात करेंगे तो उसके लिए तो फिर ये मध्य प्रदेश सरकार का कर्तव्य होता है। और उन्होंने, हम लोगों ने कोई इस बात को मांगा नहीं है, इस बात को आप पता कर लें। मध्य प्रदेश सरकार ने यदि दिया है तो देखिए राम राज्य में भी राम जी को जो है, राम जी के जमाने में भी आपने देखा होगा वशिष्ठ जी का मार्गदर्शन रहा है और उसी तहत यदि मध्य प्रदेश सरकार ने संतों को भरोसा जताया और संतों का मार्गदर्शन लिया है तो मध्य प्रदेश सरकार और शिवराज सरकार को धन्यवाद देते हैं। जिन संतों को शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री बनाया है उनको काम दिया गया है कि वो नर्मदा किनारे के इलाकों में जाकर वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता के अभियान को लेकर जागरूकता फैलाएं। इसके लिए खास समिति बनी है जिसमें 5 सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा देकर सदस्य बनाया गया है, मगर समझा यह जा रहा है कि कंप्यूटर बाबा और पंडित योगेंद्र महंत नर्मदा घोटाला उजागर ना करें, इसको लेकर अपना अभियान ना चलाएं, इसलिए उनको खुश करने के लिए मंत्री बना दिया गया है। मगर सिर्फ इन 2 संतों को मंत्री बनाने पर सवाल ना उठे इसलिए बाकी के 3 और संतों को राज्य मंत्री का दर्जा देकर इस कमेटी में रखकर कवर फायर लिया गया है। तो क्या एक सौदा हुआ है जनता की आस्था से खेलकर सियासत और साधुओं का? ये सवाल हम नहीं, खुद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पूछ रहे हैं। ये देखना चाहिए कि वो पात्र है कि नहीं, पात्र है तो सबसे जो पात्र नहीं है वो जानते नहीं है, मध्य प्रदेश से उनका कोई संबंध नहीं है या उनके यहाँ आने से मध्य प्रदेश को कोई लाभ नहीं है, तो उनको देने कोई अच्छा नहीं। तो क्या वाकई कोई पात्रता देखी गई? क्योंकि पंडित योगेंद्र महंत नर्मदा घोटाला रथ यात्रा के संयोजक थे, विश्व ब्राह्मण समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भैयू जी महाराज का असली नाम उदय सिंह शेखावत है। अब भैयू जी महाराज गृहस्थ संत हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत प्रभावी माने जाते हैं।
हरिहरानंद जी का एमपी के अनूप शहर में प्रभाव माना जाता है। नर्मदानंद जी नर्मदा के किनारे बसे इलाकों में पूजे जाते हैं। और कंप्यूटर बाबा तो 2014 में इंदौर से केजरीवाल की पार्टी से टिकट मांग रहे थे। वही कंप्यूटर बाबा पिछले साल तब नाराज हो उठे जब अमित शाह के साथ सन्यासियों के भोज में शिवराज सिंह से इन्हें न्योता नहीं मिला। शिवराज सरकार जो है ऐसा लगता है कुछ अपनी कुछ कमियां जो हैं वो हम संतों को अलग करके इन्हें गिने जो उनके लल्लू चप्पू करने वाले हैं या उनके ही जो आरएसएस संघ से जो जुड़े हैं संत केवल उनको ही बुलाया गया है। तो क्या धर्म के चोले में आस्था का एक कारोबार होने लगा जिसमें बोली लगी मंत्री पद की और सौदा हुआ नर्मदा घोटाला ना खोलने का। आखिर जिस नर्मदा घोटाले को दबाने के लिए बाबाओं को मंत्री बनाया गया वो है क्या? नर्मदा घोटाला खुलने से क्यों शिवराज सिंह चौहान को डर लग रहा है? नर्मदा घोटाले में कौन कौन सा खुलासा कर सकते थे मंत्री पद पाने वाले बाबा? इन सवालों का जवाब हम आज आपको घंटी बजाओ की अगली रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। सच कहा है किसी ने कि राजनीति का ये चस्का बहुत बुरा होता है और इसी का फायदा उठाकर तो शिवराज सिंह चौहान ने देखा आपने कंप्यूटर बाबा की हार्ड डिस्क की हैक कर ली। चलिए आपको बताते हैं कि जिस मध्य प्रदेश में 97,000 प्राइमरी स्कूलों में बिजली नहीं है, जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 1500 डॉक्टर्स की कमी है, जहां राजस्व का रोना रोकर मुख्यमंत्री पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा देते हो, वहां बाबाओं को मंत्री बनाकर सुविधाएं दी जाएं और वो भी इसलिए ताकि घोटाले के आरोप संत समाज लगाए तो वोटों का नुकसान ना हो, तो क्या घंटी नहीं बजनी चाहिए ऐसे सरकार की? तो बजाइए। ये राजनीति खत्म हो जाएगी यदि ये मंदिर बना देंगे। अब सब कुछ होने के बाद भी यदि राम मंदिर नहीं बन पा रहा है तो निश्चित इसमें कोई राजनीतिक चाल है और अपना उल्लू सीधा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे साधु संतों की अपेक्षा कर रही है। हम लोग बड़े चाह रहे हैं कि राम मंदिर बने। जो कंप्यूटर बाबा बीजेपी के बारे में ऐसी सोच रखते रहे उन्हें अगर शिवराज सिंह ने मंत्री बना दिया तो कोई तो नस दबी रही होगी। दावा है कि वो नस है शिवराज सिंह चौहान की नर्मदा यात्रा। शिवराज सिंह ने 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक 3,300 किलोमीटर लंबी नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी। मकसद था जीवनदायिनी नर्मदा का संरक्षण, संरक्षण प्रदूषण से, अवैध खनन से। इसी नर्मदा यात्रा के दौरान शिवराज सिंह की सरकार ने 2 जुलाई को नर्मदा नदी के किनारे 23 जिलों में 24 घंटे के भीतर 6 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया। दावा है उन्हीं 6 करोड़ पौधों को लगाने के नाम पर हुआ घोटाले का खुलासा करने जा रहे थे कंप्यूटर बाबा, जिसकी गवाही में सुनिए मंत्री बना दिए गए कंप्यूटर बाबा का कुछ दिनों पुराना बयान। अब हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग जो शुरू करेंगे यात्रा वो 1 अप्रैल से 15 मई तक रखेंगे और उसमें जनता के सामने ले जाएंगे कि नर्मदा हमारी छलनी कर दी है और जो 6 करोड़ पौधों का घोटाला हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री ने व्यर्थ पैसा खर्च किया है जो हमारे मध्य प्रदेश की जनता का पैसा लगा है। दरअसल पौधे कितने लग पाए इस बारे में सरकार ने कभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी और जो लगे भी उनकी हालत कुछ दिनों में ऐसी हो गई। शिवराज सिंह के ही जिले सीहोर में खाली गड्ढे बचे हैं, जो पेड़ लगाए गए थे उनका नामो निशान नहीं। शिवराज सिंह के शहर विदिशा में जिस नए कलेक्टर ऑफिस के बाहर पेड़ लगाए गए वहाँ सिर्फ ट्री गार्ड बचा। कहीं पेड़ सूख गए, कहीं सूखे पेड़ भी नजर नहीं आते। और ओंकारेश्वर में भी सरकार ने जनता का पैसा खर्च करके जो पौधे लगाए उनका नामो निशान नहीं। आरोप है कि 6 करोड़ पौधे लगाने के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, लेकिन क्या वाकई 1,000 करोड़ रुपए के पौधे लग पाए ये सवाल है। आरोप नर्मदा यात्रा के दौरान आरती घोटाले का भी लगा है। 148 दिनों की यात्रा में दोनों वक्त आरती का प्रावधान था। 50 जगहों पर आरती में खुद मुख्यमंत्री शामिल थे और नर्मदा सेवा यात्रा में सिर्फ आरती में 1,74,64,000 रुपए का खर्च आया जो गले के नीचे नहीं उतरता। आरटीआई से पता चला 4 मार्च को महेश्वर घाट पर आरती का खर्च 58,650 रुपया था। अब अगर एक आरती में 58,000 रुपए लगे और आरती में कुल 1,74,64,000 रुपए सरकार खर्च करे तो घोटाले के आरोप लगेंगे। दावा है किसी घोटाले को उजागर करने के लिए जब बाबाओं की टोली निकली तो उन्हें सियासत ने मंत्री का पद देकर चुप करा दिया, जिस पर अब एक नई राजनीति शुरू हो गई। बाबाओं को राजमंत्री का दर्जा देने की क्या आवश्यकता पड़ी? समाज का हर वर्ग
विकास के और जन कल्याण के कामों में जुड़े और इसलिए समाज के हर वर्गों को जोड़ने का प्रयास करें। करोड़ों रुपए वहाँ पेड़ लगाने पर खर्च कर दिए, एक पेड़ भी नहीं लगा और नर्मदा जी की परिक्रमा झूठी मुख्यमंत्री ने की, हवाई परिक्रमा की उन्होंने, इसलिए अब वो चाहते हैं कि अब बाबाओं के थ्रू उसको मैनेज किया जाए, इसलिए उनको राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया। हमने अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को और चोरों को हमने राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया है। ये जो पांचों संत हैं ये साधु तो हैं ही, इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और इसलिए समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के कारण ये बहुत बड़े प्रेरक तत्व हैं। ये सिर्फ भगवान की साधना नहीं कर रहे हैं, ये समाज की सेवा भी कर रहे हैं, इसलिए मैं निंदा करती हूँ कांग्रेस की। एक बार अकबर ने संत कुंभन दास को राज दरबार में बैठने का न्योता दिया। इस पर संत कुंभन दास ने फतेहपुर सीकरी आने से इनकार किया और लिखा, संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पर नहीं है टूटी, बिसर गया हरिनाम। यानी कि संतों को सियासत और राजधानी से क्या काम, राजधानी आएंगे जाएंगे तो पैरों के जूते फट जाएंगे और भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे, मगर इस मामले में संत और सियासत दोनों के चरित्रों की हार नजर आती है। इसीलिए अब शिवराज सिंह सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका तक दाखिल की गई है। पांच लोगों को एडिशनल एक पोस्ट जनरेट कर दी, जिस पोस्ट के तहत उन्होंने राज्य सरकार में मंत्री का दर्जा दे दिया। तो एडिशनली जो हमारी जो पिटीशन है, याचिका है, उसी को चैलेंज करने के लिए की, क्या ये जो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और ये जो पोस्ट जनरेट की है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। अदालत फैसला करेगी, लेकिन शिवराज सिंह को ये समझना जरूरी है कि जनता की अदालत भी फैसला करेगी, तब पता चलेगा साधुओं को मंत्री बनाकर शायद घोटाले को दबाया जा सकता होगा, लेकिन जनता की आवाज को नहीं। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, जिन बाबाओं को मंत्री पद दिया गया है वो सरकार वापस ले, नर्मदा सेवा यात्रा में हुए पूरे खर्च का ब्यौरा सरकार दे और जो आरोप नर्मदा सेवा यात्रा में घोटाले के लग रहे हैं उनकी जाँच का आदेश दिया जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। कल रात 10 बजे गौरक्षा की सियासत में फिस रहे किसानों का दर्द आपने देखा था। देश के पशुधन पर आवारा सरकारी सोच की घंटी हमने बजाई थी, इस पर जनता ने वीडियो भेजे हैं, अपने संदेश दिए हैं, देखिए। मैं तो ये कहूंगा कि गाय पॉलिटिक्स इंडिया से ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं होनी चाहिए इस पर पॉलिटिक्स। शुक्रिया एबीपी न्यूज़ का कि इस तरह के टॉपिक को आप हमेशा लाते हैं घंटी बजाओ में। सरकार अगर ये व्यवस्था लाई है तो उसके लिए उचित व्यवस्था पशु पालने के लिए रखी जाए, ना कि हम लोग के खेती बर्बाद करने के लिए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग अनाज खरीदने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। किसानों को अतिरिक्त धन दिया जाए जिससे कि वो इन आवारा पशुओं की देखरेख कर सके, अथवा वैज्ञानिक पद्धति से इनकी आबादी को नियंत्रित किया जाए। ज्यादा से ज्यादा किसानों की मदद करनी चाहिए ताकि देश का किसान तभी बढ़ोतरी हो पाएगी जब देश का किसान मजबूत होगा। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।